जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। पलवल के गांव गहलब में शहीदों की याद में शहीदी समिति के जरिए शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर मंधीर सिंह मान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी बैठे दिखाई दिए। इस मौके पर मंधीर सिंह मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह एक सराहनीय पहल है, जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं वो सच्चे देशभक्त होते हैं। तो साथ ही केंद्रीय मंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि और सभी को आपने मौका देकर देख लिया, इस बार अगर आपका आशीर्वाद मिला तो खूंटा उपहार दिया जाएगा। असली तो जातन लागे उतन जाने, पर जब कोई शहीद गुजरता है ना, पूरे देश को दुख होता है, क्योंकि शहीद अपने लिए नहीं सरदारों पूरे देश के लिए जीता है। और ऐसे में जो आप लोग जो शहीदों जो नए बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए शहीदों को याद करते हुए जो ऐसे आयोजन करते हैं वे बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो ऐसे आयोजन करते हैं, जो ऐसे आयोजन में शामिल होते हैं वही सच्चे देशभक्त होते हैं। तो हमारे सुनील देशभक्त ने जो इलाके का, जो अपने गांव का जो नाम रोशन किया है, और जो गर्व से सीमा पर लड़कर जो आज देश की रक्षा के लिए कार्य करके गया है, वह सदा हर दिल में अमर रहेगा, हर दिल में उसकी याद रहेगी। तो सरदारों, इंसान वही जो देश के लिए कुछ कर जाए, तो ऐसी महान आत्मा को मैं सच्चा नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उसका परिवार ही नहीं, गांव और ऐसे सुनीलों को पैदा करे जो देश के लिए अपनी जान निछावर करने की ताकत रखते हो, हिम्मत रखते हो। भाइयों, सरदारों, सामाजिक मंच है, ज्यादा कुछ ना कहते, आपका बच्चा आपका बालक हूं, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं आज मिट्टी के लिए कुछ कर जाऊं, मिट जाऊं, आप लोगों के कहीं काम आ जाऊं। सरदारों, समय दूर नहीं है। सरदारों, एक बार आशीर्वाद देकर देखो। सरदारों, और तो सब देख लिया आपने, कृष्ण पाल जी भी आज यहाँ पर बैठे हुए, मंत्री जी भी शायद पहली दूसरी बार ही आज इनको यहाँ पर शायद अच्छी तरीके से सब जानते भी नहीं होंगे। तो मैं तो ये कहूंगा, सरदारों एक बार मौका देकर देखो, खूंटा गाड़ दूंगा। सरदारों, इतने काम कर जाऊंगा, कहीं और को आने को नाम ना दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय धरती माता।